हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मौसम का नज़ारा देखो, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो शाम का टाइम हो रहा है, 5 बज रहे हैं। आज मौसम बहुत अच्छा हो रखा, बूंदाबांदी हो रही है। तो बूंदाबांदी के साथ आज फिर पकोड़े खाने का मन कर रहा है, तो हम बनाएंगे पकोड़े और गुलगुले बनाते हैं। तो अंदर तैयारी कर रही हूँ मैं, आगे दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों हम लोग गुलगुले बनाने जा रहे हैं। तो हमने पानी, गुड़ को पानी में उबाल लिया है। इसको उबालने के बाद हम छान लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत जो कोड़ा होता है वो निकल जाता है, डंडियाँ वगैरह होती हैं। तो इसको हम छान लेंगे और इसको इसमें हम आटा मिलाएंगे। तो आप चीनी के भी बना सकते हो, लेकिन मैं गुड़ के बना रही हूँ। गुड़ के ज़्यादा स्वाद होते हैं। और साथ में हम बना रहे हैं पकौड़े मौसम के हिसाब से, क्योंकि बाहर बूंदाबांदी हो रही है। इसमें हमने प्याज और आलू काट लिए और ये हमने धनिया काटा, और ये मेरी क्यारी में ऊपर किचन गार्डन में लग रहा था थोड़ा सा पालक और थोड़ा बथुआ लग रहा है। तो इसको हम तोड़ के ले आएंगे और इसके साथ हम मिक्स करके इसके पकौड़े बनाएंगे। तो ये हमारा कड़ी पत्ता है, ये भी हमने अपने गमले में से खेत तोड़ा है। और इसके साथ ही हम आपको दिखाते हैं आगे। और ये बेसन हमने ले लिया, इसमें कड़ी पत्ता डाला है। अब इसमें नमक मिर्च मसाला डाल करके साथ में इसको घोल बना लेंगे। तो ये गुड़ का पानी है जिसको हम छान लेंगे। देखिए इसमें जो भी थोड़ा बहुत कबाड़ होता है वो निकल जाता है। और ये सौंप वाला गुड़ है, साफ ही है गुड़। तो अब इसमें हम आटा मिला लेंगे, थोड़ा इसे ठंडा होने देते हैं। तो हमने पकौड़ों के मसाले में डाल लिया, नमक डाला स्वाद अनुसार, और इसमें हमने जीरा डाला है और अजवाइन डाला है और लाल मिर्च, हल्दी पाउडर डाल करके अब हम इसको इसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो हमने जो है बेसन का बैटर जो है तैयार कर, अब हम इसमें डाल लेंगे सरसों का तेल। तो ये हम पकौड़े बना रहे हैं, गुलगुले बना रहे हैं। तो गुड़ को हमने पानी में उबाल लिया था, उसका पानी हमने छान लिया और ये हमने तेल डाल दिया इसके अंदर। अब तेल को गर्म होने देते हैं। अब हम ये मिक्स कर रहे हैं सारा, प्याज आलू पालक के पत्ते धनिया, इसको सारा हम इस घोल के साथ मिला लेंगे बेसन के। और इसका एक साइड हम आटा डाल लेंगे। तो अब हम गुलगुलों के लिए बना रहे हैं, बैटर बना रहे हैं इसके लिए। और ये हम थोड़ा थोड़ा करके आटा डालेंगे और चलाते रहेंगे, नहीं तो इससे लम्स बन जाते हैं। और तो छलनी को हम हमेशा टेढ़ा कर लें, सारा तेल जो है कढ़ाई के अंदर चला जाता है। और ये हमने पकौड़े बंद कर, बरसात में पकौड़े खाने का मजा ही कुछ अलग है। बाहर बारिश हो रही काफी तेज। तो इसके साथ ही हम वीडियो को एंड कर लेते हैं। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना ना भूलना। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए।